उन्होंने आईलेट्स करके उन फाइल लाई हुई सी, इंटरव्यू वगैरह उन्होंने क्लियर सी, पर वो लॉकडाउन करके बाहर नहीं जा सके, मतलब लॉकडाउन हो गया था, वो पॉसिबल नहीं हुआ उन्होंने बाहर जाना। पर वो हरियाणे से गए हुए थे कल दोपहर पे, उत्थे पता लगे कि उन्होंने कोई मतलब ड्रग लेती है, तो उन्हें ओवरडोज करके जो भी होया। पर मेरी इको मतलब भी बेनती है, और जरा दिमाग में खड़खड़ा रहा गा सवाल कि लॉकडाउन के बावजूद भी रोटी तो किसी को मिल नहीं रही, पर बार फिर भी नशा बार शरेआम बिक रहा। और दूसरी गल कह रही हैं, पुलिस भी कह रहा, सारे कह रहे हैं कि हदा छीलने, तो पंजाब च हरियाणा चले किए गए। तो एक बड़ा मेहरबानी तो यही है कि सानू इंसाफ मिलना चाहिए, तो नशे की कार्रवाई होनी चाहिए, जोड़ा भी इनू बेचता जो भी आ ड्रग इनवॉल्विंग जो भी है ये कार्रवाई। ये रोड़ी गांव है, वहाँ पर एक सुरेंद्र है, उसके मकान में ये दोनों थे, अमृतपाल और इसका दोस्त हरप्रीत। इनके परिवारजन गए थे, तो इनके परिवारजन अमृतपाल के फादर ने आरोप लगाया है, अपने बयान दिए हैं कि जो सुरेंद्र है और उसके परिवार वालों ने उसको नशे का दोनों को इंजेक्शन दे दिया, ओवरडोज की इनकी मौत हो गई है। तो इस संबंध में हमने अपने यहाँ 302 का पर्चा दर्ज कर दिया है, और यहाँ सरदूलगढ़ में बोर्ड द्वारा इनका पोस्टमार्टम करा रहे हैं दोनों का। जैसा भी डॉक्टरी रिपोर्ट में आएगा उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।